Morning, all of you. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन किस चीज पे डिस्कस करेंगे? गैस्ट्रिक जूस एंड फंक्शन ऑफ द स्टमक। यानी कि अपन ने लास्ट क्लास में कहां तक डिस्कस कर लिया था? स्टमक तक अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। और अभी अपन क्या चीज पढ़ेंगे कि जो अपना गैस्ट्रिक जूस है उसके फंक्शन क्या है और अपना जो स्टोमक है उसके क्या क्या फंक्शन है। गैस्ट्रिक जूस कैसे बनता है, कैसे सिक्रेट होता है, कहाँ से सिक्रेट होता है, कितने फेजेज में सिक्रेट होता है, ये सारी सारी चीजें क्या है अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपन क्या है एक बार जो प्रीवियस लेक्चर है उसको समराइज कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने किस चीज पर डिस्कस किया था? स्टमक स्टमक के बारे में अपन ने क्या है डिस्कस किया था। स्टमक स्टमक क्या है? एक जे शेप का क्या है? डायलेटेड पोर्शन है। किस चीज का? एलिमेंट्री ट्रैक का। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ रहता है? ये सिचुएटेड इन द एपिगेस्ट्रिक। अपना जो एपिगेस्ट्रिक है भाग जो है वहां पे क्या है ये सिचुएटेड रहता है। अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी। जो अपना लेफ्ट साइड का जो हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन जो है वहां पे क्या है ये सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट क्या है अपना? ऑर्गन एसोसिएटेड विद द स्टमक। अपना जो स्टमक है उसके साथ कौन से ऑर्गन जो है वो एसोसिएटेड रहते हैं? तो स्टमक के एंटीरियर भाग में क्या रहता है? लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। यानी कि जो अपना लेफ्ट लोब जो है किसका? लिवर का। वो क्या है अपना जो स्टमक है उसके एंटीरियर भाग के अंदर क्या है सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट क्या है? पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली में क्या रहता है? अब्डोमिनल आयोटा, पैनक्रिया, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड जो है वो अपना जो स्टमक है उसके पोस्टीरियर भाग के अंदर क्या है सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट अपना है सुपीरियरली। सुपीरियरली में क्या चीज आती है? अपना डायफ्राम आता है, इसोफेगस आता है और अपना जो लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर ये क्या है अपने सुपीरियर भाग के अंदर क्या है प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट अपना आता है इन्फीरियरली। इन्फीरियरली के अंदर क्या है? ट्रांसवर्स कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रांसवर्स कोलन और जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है अपना जो इन्फीरियर भाग जो है उसके अंदर क्या है सिचुएटेड रहती हैं। लेफ्ट साइड में क्या है? डायफ्राम और स्प्लीन रहेगा और राइट साइड के अंदर क्या है लीवर और ड्यूडिनम अपना जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये क्या है अपनी स्ट्रक्चर है किसकी? स्टमक की। और इसके साथ में कौन से ऑर्गन जो है वो एसोसिएटेड है उनकी क्या है ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। तो स्टमक क्या है अपना जे शेप का क्या है ऑर्गन होता है। कर्व होती है इसके अंदर, ये ग्रेटर कर्व होती है, ये लेजर कर्व होती है, ये अपना क्या है पैरेलिक स्पिंचर होता है और ये कौन सा होता है अपना कार्डियक स्पिंचर होता है। द स्टमक इज कंटिन्यूस विद द इसोफेगस एट द कार्डियक स्पिंचर एंड विद द ड्यूडिनम एट द पैरेलिक स्पिंचर। जो अपना जो स्टमक है उसका क्या है जो अपर पार्ट है जो कार्डियक स्पिंचर है वो किससे कनेक्ट रहता है? इसोफेगस के साथ कनेक्ट रहता है। और जो ड्यूडिनम जो है जो लोअर पार्ट है वो कौन से स्पिंचर से कनेक्ट होता है? जो अपना पैरेलिक स्पिंचर होता है उससे क्या है वो कनेक्टेड रहता है। इट हैज टू कर्व। इसके अंदर क्या है दो टाइप से कर्व पाई जाती हैं। द लेजर कर्व इज शॉर्ट एंड लाइज ऑन द पोस्टियर सरफेस ऑफ द अब्डोमन। जो अपना जो दो कर्व होती है इसके अंदर जो पहली जो लेजर कर्व वो क्या छोटी होती है, कहां पे होती है? पोस्टियर सरफेस ऑफ द स्टमक। जो अपना स्टमक जो है उसके क्या है पोस्टियर भाग में ये क्या है सिचुएटेड रहती है। एंड इज द डाउनवर्ड कंटिन्यूस ऑफ द पोस्टियर वॉल ऑफ द इसोफेगस।
और ये कंटिन्यूअस किससे रहती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इसोफेगस, यानी अपना जो इसोफेगस है उसका जो पोस्टीरियर भाग जो है उसके साथ क्या है ये कनेक्ट रहती है, जस्ट बिफोर द पायरोलिक स्पिंचर इज कर अपर टू कंप्लीट द जेसेप, यानी कि इसके तुरंत बाद कौन सा आता है आपका पायरोलिक स्पिंचर आता है, ठीक है, और वो क्या करता है आपका जो जे सेप जो है वो क्या है कंप्लीट करता है, यानी कि जो अपना जो स्टमक है उसका जो जे सेप जो है वो किसकी वजह से कंप्लीट हो रहा है, जो अपनी ये जो कर्व जो है उनकी वजह से क्या है ये कंप्लीट हो रहा है। तो जो फर्स्ट कर्व वो क्या कहाँ पे होती है, जो लेजर कर्व वो क्या छोटी होती है और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक, जो अपना पोस्टीरियर सरफेस है किसका स्टमक का वहां पे क्या है वो सिचुएटेड रहती है, एंड इज द डाउनवर्ड कंटिन्यूस ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इसोफेगस, और नीचे की तरफ से कहां कंटिन्यूस होती है ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इसोफेगस पे, जस्ट बिफोर द पायरोलिक स्पिंचर इज कर्व अपवर्ड टू कंप्लीट द जे शेप, जस्ट बिफोर द पायरोलिक स्पिंचर इज कर्व अपवर्ड टू कंप्लीट द जे शेप, यानी कि इसके तुरंत बाद क्या है कौन सा आता है अपना पायरोलिक स्पिंचर आता है और वो कर्व क्या करती है जो इसका शेप जो है जे शेप है उसको क्या करती है कंप्लीट करती है, वेयर द इसोफेगस जॉइन द स्टमक द एंटीरियर रीजन एंगल एक्चुअली अपवर्ड कर्व डाउनवर्ड फॉर्मिंग द ग्रेटर कर्व देन स्लाइटली अपवर्ड टूवर्ड द पैरलिक स्पिंचर, वेयर द इसोफेगस जॉइन, जहां पे इसोफेगस जॉइन होता है द स्टोमक द एंटीरियर रीजन एंगल एक्चुअली अपवर्ड कर्व डाउनवर्ड, जो कर्व होती है वो क्या है डाउनवर्ड होती है, एंड फॉर्मिंग द ग्रेटर कर्व क्या बनाती है बड़ी कर्व बनाती है, देन स्लाइटली अपवर्ड टू द पैरलिक स्पिंचर, यानी जो अपना पैरलिक स्पिंचर उससे क्या है स्लाइटली अपवर्ड की तरफ क्या है वो कर्व बनाती है, जिसके बाद क्या है अपना जो स्टमक है उसको कितने भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है, अपना जो स्टमक है उसको अपन ने तीन भागों के अंदर क्या है डिवाइड कर रखा है, तो सबसे पहला क्या है अपना फंडस पार्ट आता है, देन आफ्टर क्या आता है अपना बॉडी पार्ट आता है, देन आफ्टर क्या आता है अपना एट्रियम पार्ट आता है, तो स्टमक को अपने कितने भागों में डिवाइड किया, स्टमक को अपन ने तीन भागों के अंदर क्या है डिवाइड किया, सबसे पहला क्या है फंडस पार्ट आ गया, देन आफ्टर क्या है बॉडी आ गई, और देन आफ्टर क्या है एट्रियम पार्ट आ गया, ये क्या है अपने तीन पार्ट है किसके स्टमक के, एट द डिस्टल एंड ऑफ पायरोलिक एट्रियम इज द पायरोलिक स्पिंचर ग्रेजुअली ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड द ड्यूडिनम, जो पायरोलिक एट्रियम है वहां पे कौन से स्पिंचर होता है पायरोलिक स्पिंचर होता है, और वो कहां पे ओपन होता है अपना स्टमक और ड्यूडिनम जो है उसके बीच में क्या है वो ओपन होता है, वेन द स्टमक इज इनएक्टिव द पायरोलिक स्पिंचर इज रिलैक्स, जिस टाइम पे क्या है अपना स्टमक जो है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता उस टाइम पे क्या है जो पायरोलिक स्पिंचर है वो क्या रहता है रिलैक्स रहता है, एंड ओपन व्हेन द स्टोमक कंटेन फूड द स्पिंचर इज क्लोज, यानी कि जैसे ही अपने स्टमक के अंदर फूड कंटेंट जाएंगे और ये स्पिंचर क्या है क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, वॉल ऑफ द स्टमक, यानी कि जो अपना स्टमक है उसके साथ कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है, The फोर layer of tissue that comprises the basic structure of the elementary canal, यानी कि चार layer से मिलके क्या है अपनी जो basic structure है किसकी elementary canal की है वो क्या है complete होती है, but some modification यानी कि जो अपना stomach है इसके अंदर क्या है बाकी चीजें तो same रहती है बट कुछ चीजें क्या है इसके अंदर modify है, कुछ चीजें क्या है अलग होती है, सबसे पहले क्या है muscles layer, दिस कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स फाइबर, ये किससे बनती है मसल्स लेयर, तीन जो अपनी स्मूथ मसल्स फाइबर है उनसे मिलके क्या है अपनी ये मसल्स लेयर बनती है, एंड आउट लेयर इज लोंगोइडल फाइबर, आउटर कौन सी अपनी जो लोंगोइडल फाइबर है ये क्या है आउटर लेयर होती है, मिडिल लेयर है वो कौन सी होती है सर्क्यूलर फाइबर होती है, और जो एंटीरियर लेयर है वो किससे बनती है ऑब्लिक फाइबर से मिलके क्या अपनी जो एंटीरियर की जो है वो बनती है, इन दिस रेस्पेक्ट द स्टोमक इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर
रीजन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट एज हैज थ्री लेयर ऑफ मसल्स इंस्टेड ऑफ टू। क्या है कि जो स्टमक है उसके अंदर क्या है, जो लेयर है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। द अरेंजमेंट अलाउ फॉर द ट्यूनिंग मोशन करेक्टरिस्टिक ऑफ गैस्ट्रिक एक्टिविटी एज वेल एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी कि जो ये मसल्स की जो अरेंजमेंट है वो क्या करती है, जो अपनी अपनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, गैस्ट्रिक एक्टिविटी और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है उनको क्या करती है, उनको मेंटेन करके रखती है। सर्कुलर मसल इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द पैरेलिक एट्रियम एंड स्पिंचर। ये क्या स्ट्रॉन्ग होती है किसमें, पैरेलिक एट्रियम और स्पिंचर से। देन आफ्टर क्या आती है अपनी म्यूकोसा। व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग इज थ्रो इनटू द लिंगुइनल फोल्ड आर रफ एंड व्हेन द फुल आर आयरन आउट ऑफ द सरफेस हैज ए स्मूथ। क्या होता है जब भी अपनी इसके अंदर क्या है फूड कंटेंट एम्प्टी हो जाती है तो क्या है ये फोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे इसके अंदर क्या है फूड कंटेंट आएंगे तो फोल्ड क्या है ओपन हो जाती है। न्यूमेरियस गैस्ट्रिक ग्लैंड आर सिचुएटेड बिलो द सरफेस इन द मसल्स मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन सॉरी। जो इसके अंदर क्या है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर सरफेस पे क्या है बहुत सारी आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो सिचुएटेड रहती है। दे कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज सेल दैट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। ये क्या है अपनी जो स्पेशलाइज सेल है उससे क्या है मिलके बनी रहती है और क्या करती है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। किसके अंदर करती है, अपने स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। देन आफ्टर क्या है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करें तो ब्लड सप्लाई आर्टरियल ब्लड सप्लाई कौन करता है, जो आर्टरियल ब्लड सप्लाई वो किससे होती है, बाय द ब्रांचेज ऑफ सीलिएक आर्टरी। जो अपनी सीलिएक आर्टरी है उसकी ब्रांचेज क्या करती है अपने स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है। देन आफ्टर है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज कौन करता है, जो अपनी पोर्टल वेन है वो क्या करती है वीनस ड्रेनेज करती है। देन आफ्टर अपने आती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई के अंदर क्या है सिंपैथेटिक किससे होती है, स्टमक इज मेनली बाय सीलिएक प्लेक्सिस के द्वारा क्या है ये अपनी सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। इसके अंदर पैरासिंपैथेटिक कौन करता है, वेगस नर्व करता है, ठीक है। और जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो क्या करता है, रिड्यूस द मोटिलिटी ऑफ स्टमक एंड सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। पैरासिंपैथेटिक कौन करता है, वेगस नर्व करती है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर क्या होता है, जो अपनी मोटिलिटी है किसकी, स्टमक की, और सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस की, ये क्या है कम हो जाती है। देन आफ्टर जो आज का अपना टॉपिक है वो क्या है, गैस्ट्रिक जूस एंड फंक्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक साइज वेरियस विद द वॉल्यूम ऑफ फूड। स्टमक की साइज क्या है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इट कंटेंट विद मे बी 1.5 लीटर और मोर इन एडल्ट। अप्रोक्सीमेट क्या है 1.5 लीटर तक अपन क्या है इसके अंदर फ्लूड और फूड क्या है कलेक्ट कर सकते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू एज सबके अंदर क्या है अलग अलग होता है। व्हेन ए मील हैज बीन ईटन द फूड
accumulate in the stomach in layer the last part of the meal remaining in the fundus for some time. जब भी अपन क्या है फूड कंटेंट क्या करते हैं लेयर इनटेक करते हैं तो उससे पहले क्या है जो लास्ट टाइम में अपन ने जो भी लिया था वो कहाँ पे रहता है अपना रिमेनिंग इन द फंडस फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए यहाँ पे क्या है प्रेजेंट रह जाता है. मिक्सिंग विद द गैस्ट्रिक जूस टेक प्लेस ग्रेजुअली एंड इट मे बी सम टाइम बिफोर द फूड इज सफिशियंटली एसिडिफाइड टू स्टॉप द एक्शन ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज. मिक्सिंग विद द गैस्ट्रिक जूस क्या होगा गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या है मिक्स होगा टेक प्लेस ग्रेजुअली ये क्या होगा कहाँ पे एंड मे बी सम टाइम बिफोर द फूड इज सफिशियंटली एसिडिफाइड टू स्टॉप द एक्शन ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज. कुछ टाइम क्या होता है जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या है मिक्स होता है ठीक है और कई बार क्या होता है जो ऑलरेडी पहले से क्या है सेलाइवरी एमाइलेज है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है और वो क्या करता है इसको स्टॉप कर देता है. गैस्ट्रिक मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ ए चर्निंग मोमेंट यानी किस कौन से मोमेंट होते हैं यहाँ पे चर्निंग मोमेंट्स होते हैं दैट ब्रेक डाउन द बोलस एंड मिक्स इट विद गैस्ट्रिक जूस. क्या होगा ब्रेक डाउन होगा बोलस होगा और मिक्स होगा विद किसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर द पेरिस्टाल्टिक वेव द प्रोपोल द स्टमक कंटेंट टूवर्ड द पायरल्स ठीक है और क्या होगा पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं वो क्या होंगी जनरेट हो जाएंगे यहाँ पे. When the stomach is active, the pyloric sphincter closes. जिस टाइम पे क्या है अपना स्टमक है वो क्या रहेगा एक्टिव फॉर्म में रहेगा उस टाइम पे क्या है अपना जो pyloric sphincter है वो क्या होंगे क्लोज हो जाते हैं और जिस टाइम जैसे ये इनएक्टिव होगा ये क्या है strong peristaltic contraction of the pyloric atrium force gastric content after they sufficiently liquefied through the pyrrholes in the duodenum in small spots. strong peristaltic content concentration of the pyloric atrium force gastric content after they are sufficiently liquefied through the pyrrholes in the duodenum in a small spots. देन आफ्टर अपना आता है गैस्ट्रिक जूस. 2 लीटर क्या है पर डे अपना जो है वो क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं जूस का सिक्रेट करती हैं. अबाउट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेट डेली बाय स्पेशल सेक्रेटरी ग्लैंड इन द म्यूकोसा. म्यूकोसा के अंदर क्या है स्पेशली जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं लगभग 2 लीटर क्या है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं. ये क्या है अपनी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो दिखाई गई है इस डायग्राम के अंदर. ये क्या है अपनी स्ट्रक्चर है किसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड की. नेक्स्ट क्या है गैस्ट्रिक जूस बनता किस किस चीजों से मिलके है. वाटर सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड. वाटर कहां से आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है. मिनरल साल्ट कहां से आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है. म्यूकस कहां से आता है ग्लोबुलर सेल्स जो होती है ग्लैंड के अंदर और स्टमक सरफेस के अंदर वहां से क्या अपने पास म्यूकस आता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से आता है पैराइटल सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड. पैराइटल सेल जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड की उसके अंदर से क्या है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है. इनएक्टिव एंजाइम प्रेशर कहां से आता है पेप्सिनोजन सीक्रेट बाय द चीप सेल इन द ग्लैंड. जो अपनी चीप सेल्स जो है वो क्या करती हैं अपनी पेप्सिनोजन को सीक्रेट करती हैं.
फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन क्या क्या हैं? वाटर फर्दर लिक्विफाइड द फूड सोलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिफाई द फूड एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सेलाइवरी अमाइलेज, किल अगेंस्ट माइक्रोब्स, प्रोवाइड द एसिड इन्वायरमेंट नीड फॉर इफेक्टिव डाइजेशन बाई पेप्सिन। फर्स्ट क्या अपना पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन आर एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाई द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बाई पेप्सिन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टमक। पेप्सिनोजन क्या है, एक्टिवेटेड किसके कारण से होता है, पेप्सिन के कारण क्या है, एक्टिवेटेड होता है बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एंड बाई पेप्सिन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टमक। पेप्सिन कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ऑलरेडी अपने स्टमक के अंदर क्या है, पेप्सिन प्रेजेंट रहती है। दे बिगन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक डाउन देम इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं, प्रोटीन को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती हैं, और कहाँ पे, स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। पेप्सिन आर एक्ट मोस्ट इफेक्टली पीएच 1.5 to 3.5। पेप्सिन का क्या है, मोस्ट इफेक्टली पीएच कौन सा होता है, 1.5 to 3.5 क्या है इसका, मोस्ट इफेक्टली पीएच होता है। इंटरफेरेंसिक फैक्टर, ए प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12 फ्रॉम द इलियम। जो अपना इलियम है वहां से क्या है, जो अपना विटामिन बी12 है उसको क्या है, एब्जॉर्प्शन करता है। नेक्स्ट क्या है, म्यूकस प्रिवेंशन, मैकेनिकल इंजरी टू स्टमक वॉल बाई लुब्रिकेटिंग द कंटेंट, इट प्रिवेंट केमिकल इंजरी बाई एक्टिंग एज ए बैरियर बिटवीन द स्टमक वॉल एंड द गैस्ट्रिक जूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन पोटेंशियली डैमेज कंस्ट्रक्शन एज ए पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। मैकेनिकल इंजरी इन टू द स्टमक वॉल बाई लुब्रिकेटिंग द कंटेंट, इट प्रिवेंट केमिकल इंजरी By acting as a barrier between the stomach wall and the gastric juice। कि क्या करता है, अपने को किस चीज में prevent करता है, chemical injury में, किसके कि कहाँ कहाँ पे chemical barrier के रूप में रहता है, कहाँ कहाँ पे stomach और जो अपनी gastric juice की जो walls है, gastric जो wall है वहाँ पे क्या है, ये अपनी जो है help करता है, prevent करता है। Hydrochloric acid is present in potentially damaged concentration and pepsin digest protein। नेक्स्ट क्या आता है अपना, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, देर इज अलाउ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन द स्टमक इवन व्हेन इट कंटेंट नो फूड। क्या है, अपने जो गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टमक के अंदर, और ये क्या करती हैं, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेट करती हैं। दिस इज नोन ए फास्टिंग जूस, सिक्रेशन रीच इट मैक्सिमम लेवल अबाउट 1 hour आफ्टर ए मील देन टू फास्टिंग लेवल आफ्टर अबाउट 4 hour। क्या है, जब अपन खाना खाते हैं उसकी क्या है, एक मैक्सिमम 1 hour आफ्टर ए मील एंड फास्टिंग लेवल के अंदर क्या है, अबाउट 4 hour। यानी कि जब फास्टिंग जो है उस टाइम पे कितने देर बाद होगा सिक्रेशन, 4 hours बाद होगा, और अगर अपन मील जो अपने इनटेक किया उस टाइम पे कितना कब रहेगा, आफ्टर 1 hour। नेक्स्ट अपनी है फेजेज ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो अपनी गैस्ट्रिक जूस की है वो फेजेज कौन सी होती हैं। सबसे पहले क्या है, सिफेलिक फेज होती है, देन आफ्टर क्या अपनी गैस्ट्रिक फेज होती है, और देन आफ्टर क्या अपनी इंटेस्टाइनल फेज होती है। तो जो अपना सिक्रेशन है गैस्ट्रिक जूस का वो कितनी फेजेज में जाके कंप्लीट होता है, 3 phases के अंदर जाके क्या है अपना वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले कौन सी है, सिफेलिक फेज हो गई, देन आफ्टर अपनी क्या है गैस्ट्रिक फेज हो गई, और देन आफ्टर क्या है इंटेस्टाइनल फेज हो गई।
तो जो अपनी नेक्स्ट क्लास है वो किस पे होगी, फेजेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का कितने कितने कौन सी फेजेस के अंदर क्या है सिक्रेशन होता है, कैसे कैसे होता है। तो इसकी फेज कौन सी है, तीन फेज है, सिफेलिक फेज है, गैस्ट्रिक फेज है और इंटेस्टाइनल फेज है, जिसके बारे में अपन क्या है कल ब्रीफली डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आप सभी को कि ये जो नोट्स जो आप जो भी वीडियो जो आपको मिल रहे हैं इन सभी को आप अपने नोटबुक में प्रिपेयर कर लें। जब भी आपकी क्लासेज होंगी रेगुलर उस टाइम पे आपके क्लास टीचर के द्वारा ये जो नोटबुक है ये नोट्स जो है ये चेक किए जाएंगे। थैंक्स टू ऑल।